नमस्कार। वैसे तो देखिए सरदर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कई लोगों को गर्मी की वजह से सरदर्द, कई लोगों को ज्यादा नींद नहीं, जैसे नींद अगर रात को नहीं आई है तो सरदर्द, कई लोगों को नसों के खिंचाव की वजह से सरदर्द देखा गया है। पिछले कुछ महीनों में एक अनुभव मेरे पास आया कि कई लोगों को हमने बताया कि जैसे सरदर्द उनको पूरे दिन रहता था, कभी कभी शाम को सरदर्द रहता था, तो उनको एक क्रिया बताई जिसमें गर्दन की सूक्ष्म क्रिया मैंने पहले बताई हुई है, उस क्रिया के अंदर एक क्रिया जो कि श्वास छोड़ते हुए गर्दन को श्वास छोड़ते हुए साइड में जाना, ये चार क्रियाएं मैंने बताई हुई है, जिसमें से ये जो एक क्रिया है ये और सेकंड जो है साइड में झुकने वाली, इसका मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूं। ये क्रिया जो है ये इतनी महत्वपूर्ण आई है, इससे रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं और उनको जो सरदर्द होता था पूरे दिन ऐसे जैसे सिर के अंदर कुछ ना कुछ चलता था, उनके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला मिला है। तो आपको अगर किसी प्रकार का सरदर्द है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सभी सरदर्द में ये लाभ करे, लेकिन जो यहाँ की वेन्स के खिंचाव की वजह से सरदर्द आता है जो कि ज्यादातर लोगों को होता है, उसमें अगर इन क्रियाओं को किया जाए तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। करना कब है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। और सुबह और शाम दो टाइम तो इसको करना ही है, और गिनती जो है वो आपको श्वासों के साथ करनी है। देखिए स्पीड से तो सब करते हैं, बात है मेन स्टे करने की, हमें स्टे करके करना है। तो जिनको ये नसों की वजह से खिंचाव, कई लोगों का ऐसा है जैसे यहां से एक नस खींचती है और यहां तक उसका दर्द आता है, कई लोगों को यहां नस खींचती है, कई लोगों को यहां नस खींचती है, कई लोगों को यहां नस खींचती है, अलग अलग जगह है, किसी को कहीं किसी को कहीं। ये जो नस खींचने वाला है ये मान के चलिए कि ये स्टिफनेस है, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, या ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है, या तेज गर्मी की वजह से हो रहा है, या निद्रा की वजह से हो रहा है, बहुत सारे कारण है। उसमें अगर ये गर्दन की कुछ क्रियाएं करके हम यहाँ की मसल्स को उसकी स्टिफनेस को कम कर दें तो मुझे लगता है कि वो दर्द कम होगा। इसका अनुभव भी ठीक आया है, इससे लोगों के जब फोन कॉल आए, बातचीत हुई और उनको बताया, उनको ठीक हुआ, तब मैं आप तक ये जो है बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी इस क्रिया को करके देखिएगा, मुझे लगता है 100 में से 50 लोगों को इससे बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिलने वाला है। करना कैसे है, देखिए सुबह सुबह आप अपनी योगी क्रियाएं करते हैं, सभी करते हैं, वो योगी क्रियाएं जरूर करना है, और उसके बाद जो है वो ये कर ले, या फिर योगी क्रियाएं नहीं करते हैं, नहीं बैठ सकते कहीं नीचे, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो करिए आराम से। एक जो है इसकी शुरुआत करने से पहले डीप ब्रीदिंग जरूर करें। डीप ब्रीदिंग देखिए जैसे सामान्य श्वास ले रहे हैं उससे ज्यादा लेना है, और सामान्य श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा छोड़ना है। कैसे, एक तो ले रहे ऐसे लेते हैं, और डीप ब्रीदिंग क्या है, पूरा श्वास भरा पूरा छोड़ा, ऐसा 5 बार कर लीजिए। इससे आपका मन जो है शांत होगा, एक जगह स्थिर होगा। अब आप गर्दन की क्रियाएं, आंखें बंद कर लीजिए, कोई आंखें खोलने की जरूरत नहीं, और कमर सीधी रहे, चेयर पे बैठे तो चेयर का सहारा ले लीजिए, अगर दीवार का सहारा लेके बैठे दीवार का सहारा ले लीजिए, लेकिन कमर सीधी रहे। श्वास छोड़ते हुए पहले एक लंबा श्वास भरिए, और श्वास छोड़ते हुए अब मूल जो बात कहा है, मूल है इस नस को खींचना, तो ये जो गर्दन आपकी जा रही है इससे और ज्यादा खींचने का अभ्यास करना। अब इसमें खींचने में भी देखिए एक बात है कि कई लोगों को यहां तक खींच के एकदम से यहां अकड़न सी आ जाती है, तो उनको आगे नहीं खींचना है। जहां आपको लगे कि अकड़न की वजह से दर्द हो रहा है वहां मत खींचिए, वहां तक ही रहिए, 2 दिन करने के बाद वो अकड़न कम हो जाएगी, फिर आगे जाइएगा। तो कैसे, अब यहां तक तो आप सामान्य चले गए, इससे थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करिए, इसमें पीछे देखना है, कंधा नहीं घुमाना, कंधा तो यही रहेगा, गर्दन घूमेगी, और यहां हल्का हल्का श्वास लेते रहिए छोड़ते रहिए, जाना तो श्वास छोड़ते हुए है लेकिन लेते रहे छोड़ते रहे। यहां पर रुकना है, 10 सेकंड रुकने का अभ्यास कीजिए, फिर उसके बाद 15 सेकंड 20 सेकंड धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। श्वास भरते हुए सामने, अब श्वास छोड़ते हुए बाई साइड, पूरा जाइए। आपको ऐसा भी लगेगा कि एक तरफ तो आपकी गर्दन फुल जा रही है, एक तरफ हाफ जा रही है,
तो भी ये बात मत मान के चलिए कि एक तरफ की मसल जो है आपकी स्टिफ हो रही है, तो ये रोज अभ्यास करेंगे तो वो स्टिफनेस कम होगी और आपको लगेगा जिनको जो नसों की वजह से सरदर्द है ना, उनको ऐसा लगेगा ये नस पूरी ऊपर तक ऐसे खींच रही है, ऐसे जैसे किसी ने पकड़ के खींच लिया हो ऐसा महसूस होगा। ये अभ्यास 10-10 सेकंड का रुकने का और उसके बाद श्वास भरते हुए सामने 5 बार तो कम से कम करना है, बहुत धीमी गति से, बहुत धीमी, कोई तेजी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गर्दन की नसें हैं नाजुक है, इनको ज्यादा खींचेंगे तो इसमें खिंचाव आ सकता है, ये संभव है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे करेंगे तो बहुत अच्छा रिलीफ जो है आपको वाकई में रिलीफ मिलेगा, आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। देखिएगा आप, मैं तो आपको सरदर्द का एक पॉइंट बता रहा हूं लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजों में फायदा होगा, क्योंकि ये एरिया सबका स्टिफ पड़ा है, एकदम टाइट पड़ा है, 40 के बाद तो जरूर टाइट पड़ा है, क्योंकि वायु जो है वो भरी पड़ी है यहाँ पर, तो उसको निकालना है। सेकंड, ये 5 बार हो गया आपका, 5 बार होने के बाद कान को कंधे पर, देखिए मैं आपको बहुत कई वीडियो में इस बात की चर्चा कर चुका हूं लेकिन आज मैं सिर दर्द से इसको रिलेट कर रहा हूं और आपको महसूस भी होगा जो मैं रिलेट कर रहा हूं, ये मेरा कई महीनों का अनुभव है जो 5 मिनट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कान को कंधे पर, अब ये कंधा उठना नहीं चाहिए, ये पूरी नसें खींचेंगे, यहां से आपको लगेगा अंदर कोई पकड़ के खींच रहा हो, ये किसी मशीन से नहीं हो सकता, ये आप ही कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। श्वास भरते हुए आप, कोई करे किसी से करवाए वो उचित नहीं है, क्योंकि आजकल किसी को समय नहीं है, आप अपनी बीमारियों को खुद ठीक करिए ना। श्वास छोड़ते हुए जाइए धीरे धीरे, पहले दिन हो सकता है इतना ही जाया जाए, कोई बात नहीं, उससे अगले दिन अभ्यास करें इतना होगा, उससे अगले दिन करें इतना होगा, धीरे 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 अपने आप होता जाएगा। करना महसूस करके, एक एक श्वास के कतरे को महसूस करना है, एक एक नस की खिंचाव को महसूस करना है। श्वास भरते हुए अब 5-5 बार 2 क्रियाएं हो गई, तीसरी क्रिया श्वास भरते हुए पीछे, ये पीछे वाली है ना, जिनको सर्वाइकल रहता हो, जिनके पीछे सूजन रहता हो, कुबड़ सी जैसे यहां पर निकल जाती है, उनके लिए ये श्वास भर के पीछे जाने वाली क्रिया बहुत बहुत अच्छी है, बहुत लाभकारी है। लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जिनको सर्वाइकल में पीछे जाने से दर्द बढ़ता है, तो उनको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो आप उसमें भी जबरदस्ती कर ले तो वो ठीक नहीं। अब श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने पर लगाना। अब यह भी एक बात है कि सर्वाइकल में आगे झुकना मना है, लेकिन 10% लोगों को आगे झुकने से रिलीफ मिलता है, तो वो अपने अभ्यास से पता करें कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये 3 क्रियाएं मैं बताऊंगा, एक सर्किल का और है राउंड लगाना, वो मत लगाइए, उसका सरदर्द से रिलेशन मुझे नहीं समझ में आया। ये जो 3 क्रियाएं हैं, ये आपकी उन नसों को, जो आपकी नसें यहां तक खींच रही है, मैं आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं और ये 10 में से 2 लोगों को तो है ही है, तो आप ये करके देखिएगा और फिर उसके बाद महसूस करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या उन नसों में जो सरदर्द हो रहा था उसमें क्या रिलीफ मिला है। हाथों हाथ हमें बहुत सारे लोगों में इसकी रिलीफ मिले, इसलिए आप तक ये अभ्यास जो है मैंने पहुंचाया है। इसी तरीके से, इसी गति से करिएगा, सुबह खाली पेट करिएगा, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले करिएगा, या फिर दिन में आपको जब भी कभी सरदर्द महसूस हो, भारीपन हो, तो हल्की हल्की मात्रा में धीमी गति से श्वासों के साथ इसको करके देखिएगा, आपको इंस्टेंट 50% रिलीफ हाथों हाथ मिलने वाला है। ये करके देखिए और फिर आनंद उठाइए। दीजिए इजाजत मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।